सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। स्वागत है दोस्तों आपका निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हिंदी लिखें, पढ़ें, बोलें, गर्व करें। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत कहें या हिंदुस्तान, जिसमें तमाम भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं और इस देश के दिल में बसती है हिंदी। जी हाँ, इसी हिंदी को समर्पित है हिंदी दिवस, जो 14 सितंबर को देश के साथ ही साथ पूरी दुनिया में उमंग और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। हिंदी को गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा भारतीय गणराज्य की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से और हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जो अब भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में मनाया जाता है। भारत के कई राज्यों में रहने वाले लाखों लोग भले ही हिंदी नहीं बोलते हों, लेकिन अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा लगभग 25 देशों में बोली जाती है। विश्व की यही एक भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। इस भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, जो कि वेदों की भाषा मानी गई है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो कि देवताओं की लिपि मानी गई है। इस दिन स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा, साहित्य और लेखन पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। हिंदी भाषा को मजबूत और समृद्ध बनाने वालों के योगदान को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में एक समारोह में उन्हें हिंदी दिवस पर राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी करते हैं। पाथेय है प्रवास में, परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी, पढ़ने व पढ़ाने में सहज है ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।